मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियां हैं उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं। और यही तो भारत की विशेषता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए हैं, जमीन पे हैं, तो हमारे सपने दूर दूर आसमान की उन क्षितिजों को पार करने के लिए भी हैं। पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है। आज भारत केवल धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रहा है। अभी दो दिन पहले इसरो ने कार्टोसेट 2 सीरीज सैटेलाइट के साथ 30 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और इन सैटेलाइट्स में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे करीब करीब 14 देश इसमें शामिल है। और भारत के इस नैनो सैटेलाइट अभियान से खेती के क्षेत्र में, किसानी के काम में, प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफ़ी कुछ हमें मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले इस बात का हम सबको बराबर याद होगा, इसरो ने जीसैट 19 का सफल लॉन्च किया था और अब तक भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा वजनदार हैवी सैटेलाइट है। और हमारे देश के अखबारों ने तो उसको हाथी के वजनों के साथ तुलना की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। 19 जून को मार्स मिशन के 1000 दिन पूरे हुए हैं। आप सबको पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलतापूर्वक ऑर्बिट में जगह बनाई थी तो पूरा मिशन एक 6 महीने की अवधि के लिए था, उसकी लाइफ 6 महीने की थी। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के इस प्रयासों की ताकत ये रही कि 6 महीने तो पार कर दिए, 1000 दिन के बाद भी ये हमारा मंगलयान मिशन काम कर रहा है, तस्वीरें भेज रहा है, जानकारियां दे रहा है, साइंटिफिक डाटा आ रहे हैं, तो समय अवधि से भी ज़्यादा, अपने आयु से भी ज़्यादा काम कर रहा है। 1000 दिन पूरा होना हमारे वैज्ञानिक यात्रा के अंदर, हमारी अंतरिक्ष यात्रा के अंदर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।